और झारखंड में इन दिनों पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का जोरदार दौर देखने को मिल रहा है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने अब बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में हार के बाद से बीजेपी बेरोजगार हो गई है। वहीं खनन पट्टा मामले में उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ है, इसकी जानकारी चुनाव आयोग को चुनाव के वक्त ही दाखिल शपथ पत्र में दी गई थी और जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं उन तमाम आरोपों में कोई दम नहीं है। उन्होंने इस मौके पर कहा भी कि जिन लोगों की तरफ से, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर उनके पास प्रमाण है तो कानूनन प्रमाण वो दे। क्या कुछ कहा है इस मौके पर जेएमएम की तरफ से सुप्रियो भट्टाचार्य ने, सुनाते हैं हम आपको। कि इस्तीफा कोई हाथ का मुआ है क्या कि बच्चा रोने लगे तो हम उसको मुआ पकड़ा दें? मुआ एक मूढ़ी का बना हुआ गुड़ता मिठाई होता है। सरकार चल रही है, सरकार पूरे कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ रही है, लोगों की आकांक्षाएं पूरी हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को मिर्चा लगना शुरू हुआ। पिछले बार सोहराए सोहराए करते हुए वो खुद चुनाव हार गए थे। आप बताइए कि एक ज्ञापन देना माननीय राज्यपाल को, फिर आधारहीन पीआईएल कर लेना, मुख्यमंत्री के साथ जो लोग रहते हैं उन पर अनर्गल आरोप लगा देना, तथ्यों की जांच भी नहीं करना। हम लोग सबको मालूम है, जब रघुवर जी मुख्यमंत्री थे हम लोग ने इस बात को कभी उठाया।